हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज है 23 मई और जानेंगे कुछ और लेटेस्ट करंट अफेयर, साथ ही यहाँ पे हम बात करने वाले काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, इसे दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट करंट अफेयर की वीडियो तो आप सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला हम बात करेंगे जो कल की क्विज मैंने आपको शेयर की थी, उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा हरियाणा। कल की क्विज का क्वेश्चन था कि गोवर्धन योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये की गई है हरियाणा के द्वारा। जो हरियाणा का करनाल है वहीं पे वहाँ के CM के द्वारा इसका लॉन्चिंग की गई थी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, गोवर्धन योजना की बात हो रही थी, गोवर्धन योजना का जो मेन टारगेट है, इसका मकसद है दोस्तों, वो है जितने भी पशु वगैरह होते हैं उनका जो मल होता है, अपशिष्ट होता है, उनका जो चारा वगैरह, उसको कंपोस्ट करना, यानी कि उनको CNG में बदलना ही इस योजना का मेन टारगेट है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं आज की करंट अफेयर की। यहां पे पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में 71वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां आयोजित की गई है, तो ये की गई है दोस्तों जेनेवा में। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है वहीं पे इसका आयोजन किया गया है, और इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया है इसका, वो किया है जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है JP नड्डा, उनके द्वारा इस मीटिंग का जो है यहां पे प्रतिनिधित्व किया गया है भारत की तरफ से। इस बार की थीम की अगर बात करते हैं तो इसकी जो थीम है दोस्तों इस बार की, वो है स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ, सार्वभौमिक स्वास्थ्य में प्रतिबंध। ये इस बार की इसकी थीम थी। यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात हो रही थी, देखिए स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक इसकी मुद्रा है, और ये कोर प्रोग्राम की यहाँ पे JP नड्डा जी के द्वारा इसके दौरान लॉन्चिंग की गई थी, जिसका नाम है वॉक द टॉक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में वायुसेना के प्रमुख जिनका नाम है मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोवा किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, तो ये है दोस्तों इजराइल। इजराइल के दौरे पर ये जो है वीरेंद्र सिंह धनोवा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इसका जो मेन मकसद है इस दौरे का, वो है दोस्तों, देखिए पहले तो वह यहाँ पर बताना चाहेंगे, इजराइल जो वायुसेना है, इजराइल की वायुसेना, वो अपनी 70वीं वर्षगांठ समारोह जो है अभी आयोजित कर रही है, तो उसी में भाग लेने के लिए इनको बुलाया गया है इजराइल के द्वारा। यहाँ पे कुछ समझौते भी होने वाले हैं इजराइल की जो सेना है, वायुसेना के प्रमुख उनके बीच और इनके बीच, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बात यहाँ पे देखिए सेना की हो रही है, तो देखिए भारतीय सेना 3 डिवाइड जो है पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है। पहला वायुसेना, जलसेना, थलसेना। वायुसेना के चीफ यहाँ पे जो है वीरेंद्र सिंह है। अगर बात करते हैं थलसेना की, तो यहाँ पे थलसेना के जो चीफ है वो है बिपिन रावत। बिपिन रावत यहाँ के चीफ है, और जो नेवी यहाँ पे है दोस्तों, यानी कि नेवी के जो चीफ है नौसेना के, वो है सुनील लांबा। ये तीनों चीफ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बात यहाँ पे इजराइल की भी हो रही है, तो इजराइल की जो करेंसी है वो है इजराइल सेकेल। इजराइल सेकेल यहाँ की करेंसी है, और जो राजधानी है वो है जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने 2022 तक भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई है, तो ये बताइए 9%। देखिए जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है जिनका नाम है राजीव कुमार, इन्होंने कहा है कि 2022 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है वृद्धि दर वो हो जाएगी 9% तक, ये इन्होंने बताया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि 2018-19 में जो वृद्धि दर रहने वाली है भारत की अर्थव्यवस्था की, वो रहने वाली है 7.5%, ये भी इन्होंने कहा है। देखिए नीति आयोग की यहाँ पे बात हो रही है, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई है 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष आपको पता चल गया होगा राजीव कुमार है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में केरल में किस वायरस की चपेट से लगातार लोगों की मौतें हो रही है, तो केरल में देखिए भारत का जो केरल है वहाँ पे काफ़ी जो पॉपुलर वायरस है वो अभी एक्टिव है, जिसका नाम है निपा है। निपा वायरस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ है, और इसकी वजह से जो है लगातार केरल में जो है मतलब कि मौतें होती जा रही है। देखिए निपा वायरस की एक्चुअली थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, एक्चुअली है क्या ये।
तो देखिए, निपा वायरस की जो शुरुआत की बात करते हैं तो ये मलेशिया है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। मलेशिया का जो निपा है नामक स्थान है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। 1998 में जो निपाह नामक जगह है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसीलिए इसका नाम जो है निपाह है पड़ा है। जो मलेशिया का जगह का नाम है निपाह, उसी के नाम पे इसका नाम जो है वायरस का निपाह है रखा गया है। आफ्टर देन ये 2001 में जो है आया था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ये हमारे यहाँ पे नया नहीं है, ये ऑलरेडी 2001 में पश्चिम बंगाल में भी एक्टिव हुआ था, जब उस टाइम पे लगभग 45 लोगों की इसके अंदर मौत हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण क्या है दोस्तों, कैसे इसे बचा जा सकता है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, इसके जो जनक है, सबसे पहले तो कैसे फैलता है, ये फैलता है जो सुअर और चमगादड़ है उनके द्वारा फलों में जाता है, और फिर फलों से जो है हमारे अंदर आता है, मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पहुंचता है। साथ ही आपको बता दूं, ये संक्रामक रोग है, सॉरी संक्रामक वायरस है, और ये एक महीने से जो है एक बॉडी से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के अंदर जाने में सक्षम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों, इसके लक्षण है तेज बुखार आना, सर दर्द आना, चक्कर आना, इसके मेन जो है सिम्टम्स दिखते हैं। साथ ही इसके जो बचाव के लिए अभी भारत के पास कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अभी नहीं बनाया है भारत ने, लेकिन यहाँ पे कुछ संबंधित इनसे रिलेटेड जो दवाएं हैं उनसे यहाँ पे इलाज किया जा रहा है इसका। साथ ही इसका देखिए जो नाम है, दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है NIV। इसको जानते हैं, जो साइंटिफिक नेम्स की तरफ से अगर देखते हैं तो NIV से बोलते हैं। जो अभी प्रेजेंट में केरल की बात हो रही है, तो केरल के CM जो है जिनका नाम है पिनरोई विजयन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, और जल्दी शायद इस पर काबू हो जाए। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने बैंकिंग इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा घाटा घोषित किया है, तो ये किया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने ये किया है। देखिए, SBI को अभी हाल ही में 7,718 यानी कि 7,718 करोड़ रुपए का जो है घाटा हुआ है, ये यहाँ पे घोषणा की गई है। और अगर बात करते हैं तो ये दूसरा सबसे जो है बैंकिंग इतिहास का घाटा है। इससे पहले आपको पता ही होगा PNB में हुआ था, काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ था और PNB को काफ़ी बड़ा उससे नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, और ये दूसरा यहाँ पे हुआ है SBI को, 7,718 करोड़ रुपए का ये हुआ है घाटा। यहाँ पे देखिए बात हो रही है इस घाटे का मेन जो है वजह क्या है इस घाटे की, वो है जो जितने भी लोन वगैरह जो है ये बैंक ने प्रोवाइड करवाए वो भुगतान को रोकना, जो 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 ग्राहक है उन्होंने जो ऋण का भुगतान है वो रोक लिया है, वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये घाटा इन्होंने घोषित किया है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए SBI की स्थापना की, तो स्थापना हुई है 1955 में, 1955 में SBI की स्थापना की गई थी, जुलाई 1955 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रेजेंट में वो है रजनीश कुमार इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, तो इसका जो कि मतलब कि कितने तारीख को मनाया गया है, तो ये मनाया गया है दोस्तों 22 मई को, 22 मई को रिसेंटली मनाया गया है। इसका जो मेन मकसद है मनाने का वो है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व को दर्शाना ही इसका मेन मकसद है। बात यहाँ पे थीम की कर लेते हैं, जो इस बार की थीम थी दोस्तों इसकी वो थी सेलिब्रेट इन 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार की इसकी थीम रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य ने उड़ान स्कीम के तहत अपनी पहली कमर्शियल विमान सेवा की शुरुआत की है, तो उड़ान स्कीम के तहत अभी कौन से राज्य ने जो है अपनी विमान सेवा की शुरुआत की है, तो ये की है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने अभी अपना जो है विमान सेवा की शुरुआत की है हाल ही में। बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की ओर से, देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो CM है प्रेजेंट में वो है पेमू खांडू यहाँ के प्रेजेंट में CM है, और जो गवर्नर है वो है बी डी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है, और यहाँ पे इसकी राजधानी है ईटानगर। देखिए ये उड़ान स्कीम की यहाँ पे हमने बात की है, तो थोड़ा सा उड़ान स्कीम की अगर बात करते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है उड़े देश का आम नागरिक, तो ये उड़े देश का आम नागरिक इसी के रिलेटेड ये जो है अभी ये शुरुआत की गई है। और इसकी लॉन्चिंग की बात करते हैं उड़ान स्कीम की, तो लॉन्चिंग इसकी की गई थी 2016 में, जो उड़ान स्कीम है इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। इसका जो मेन मकसद है दोस्तों ये है कि लगभग सभी को, भारत के सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका मेन टारगेट है उड़ान स्कीम का।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है? तो ये है माई एमपी रोजगार पोर्टल। माई एमपी रोजगार पोर्टल जो है, एमपी के जो सीएम है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। और इसका जो मेन मकसद है वो है शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना ही इस पोर्टल का मेन मकसद होगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने वित्तीय संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, एक हस्ताक्षर हुए हैं अभी रेलवे मंत्रालय ने, वो किए हैं दोस्तों आरबीएनएल के साथ। आरबीएनएल के साथ ये समझौता किया गया है, जिसका जो मेन मकसद है वो है वित्तीय संबंधित जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करना ही इनका मेन मकसद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आरबीएनएल की बात कर रहे हैं, आरबीएनएल की फुल फॉर्म है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड और जो रेलवे मंत्रालय है उसके बीच में ये समझौता हुआ है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं रेलवे बोर्ड के सचिव जो अभी प्रेजेंट में वो है रंजनेश सहाई। रंजनेश सहाई यहाँ के रेलवे बोर्ड के अभी प्रेजेंट में सचिव है, और जो रेल मंत्री है वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए कोयम्बटूर में संपन्न फॉर्मूला जूनियर रेसिंग चैंपियनशिप 2018 हाल ही में किसने जीती है? तो ये जीती है बाला प्रसाद ने। बाला प्रसाद ने ये जो है जूनियर रेसिंग चैंपियनशिप 2018 जीत ली है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ में एक विशेष नक्सल विरोधी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर ये एक फोर्स जो मतलब कि स्पेशल फोर्स जो है स्थापित करने की घोषणा की है, और इसका मेन मकसद है दोस्तों जो नक्सलवादी है वहाँ के उनसे छुटकारा पाना ही इस फोर्स का जो है मेन काम होगा। तो ये यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य है। ये थी आज के करंट अफेयर दोस्तों, और जो आज की क्विज है आपके लिए, जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो वो है हाल ही में जारी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे विश्वसनीय बैंक कौन सा बन गया है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया बैंक। तीनों जो चारों में से जो राइट आंसर है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हाँ अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आपके अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी लौटेंगे कल के वीडियो के साथ। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।